सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आप एक ट्वेल्थ क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, कौन से आप कोर्सेज कर सकते हैं, किस तरह की जॉब्स आपके लग सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर आप एक साइंस के एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए भी वीडियोज़ आने वाली है बहुत जल्द। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखिए, मुझे पता है कि जो ट्वेल्थ क्लास का एक बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है अपने करियर को लेकर के, या फिर कोई उसे मिसगाइड भी कर सकता है कि भाई तू ये कर ले तेरे लिए ये परफेक्ट है, या फिर तू वो कर ले तेरे लिए वो परफेक्ट है, जबकि स्टूडेंट को खुद ये पता नहीं होता कि उसके लिए क्या चीज़ सही होगी। तो आज की वीडियो के अंदर जो आपके करियर के अंदर कन्फ्यूजन्स है वो सारी की सारी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप में नहीं होने वाली है, हम लोग बस डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपसे सिर्फ एक इंटरेक्शन करने वाला हूँ ताकि आपको अलग अलग ऑप्शंस का आइडिया लगे और आपको जो सही ऑप्शन लगता है फिर आप उसके बारे में रिसर्च करें। देन रिसर्च करोगे, आपको और आइडिया लगेगा, फिर आप और रिसर्च करोगे, तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हम लोग सिर्फ आपसे एक इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग आपसे सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, राइट? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चूज करते हैं बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स करना। अब बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप टारगेट कीजिएगा टॉप इंस्टीट्यूशंस को। टॉप इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, SRCC टॉप इंस्टीट्यूट हो गया। इसके अलावा जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, हिंदू कॉलेज है, हंसराज है, या फिर BHU से आप कर सकते हो, या फिर आपके शहर के आसपास जो अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है तो आप उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। टारगेट करना सिर्फ और सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट को ही, अगर वहां पर नहीं होता है फिर आप किसी दूसरे में जा सकते हो, लेकिन हमेशा आपका जो टारगेट है वो टॉप इंस्टीट्यूशन के लिए ही होना चाहिए। और आप अक्सर अपने भाई बहनों से भी सुनते होंगे कि यार बीकॉम करके क्या करेगा, बीकॉम ऑनर्स करके क्या करेगा, कोई जॉब नहीं मिल रही है, दुनिया ने बीकॉम कर रखी है, अपने घर पर बैठे हुए कोई जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसा भाई सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो स्टूडेंट बीकॉम करते हैं और मतलब टॉप कॉलेज से नहीं करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट बीकॉम कर रहे हैं उनके अंदर वो पैशन नहीं है उस चीज़ को करने का, उसके बाद उन्हें जॉब नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट मिल जाती है और काफी बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो SRCC से तो डेफिनेटली आपको काफी बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो किसी ऐसे कॉलेज से जिसको कोई भी जानता नहीं है तो वहां पर आपको प्लेसमेंट, फिर कैंपस प्लेसमेंट मिल पानी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर कोई आपको यह कहे कि भाई बीकॉम करके क्या करेगा या फिर वो करके क्या करेगा, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि भाई किस कॉलेज के बारे में, किस यूनिवर्सिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स वगैरह कर रहे हैं तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो बेसिकली जो आपका ट्वेल्थ क्लास का कॉमर्स का सिलेबस होता है उस तरह के सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो हम बोल सकते हैं टिपिकल जो हमेशा से चलती आ रही है बीकॉम ऑनर्स, उसी तरह के आपको सब्जेक्ट्स देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ने को मिल जाता है, मार्केट्स के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, आपको अकाउंट्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी आपको बीकॉम ऑनर्स वगैरह के अंदर पढ़ने को मिलती है। और किस तरह की जॉब्स आपकी मिल सकती है बीकॉम ऑनर्स वगैरह करने के बाद, तो देखिए अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बीकॉम वगैरह कर रहे हो, तो जो कॉर्पोरेट की दुनिया है वहाँ से आप बिल्कुल कनेक्टेड फील हो, मतलब कनेक्ट आप कर पाते हो। एंड वहाँ पर जितनी भी जॉब्स होती हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो, या फिर कहीं पर भी मैनेजर आप बन सकते हो, या फिर आप टीचिंग लाइन के अंदर भी जा सकते हो, इसके अलावा आप रिसर्च की फील्ड के अंदर भी जा सकते हो, तो और हाँ, इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं अगर आप बीकॉम ऑनर्स बीकॉम वगैरह कर लेते हैं तो, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर नहीं है, आपका इंटरेस्ट भाई मुझे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। अगेन आप टारगेट कीजिएगा टॉप इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पर CUET का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसकी प्रिपरेशन भी हम लोग करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बाकी कोर्स डिटेल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आप करना चाहते हो फिर भाई आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर भी अगेन आपको जो इकोनॉमिक्स है वो सारी की सारी पढ़ने को मिलती है। इसके अंदर देखिए आपको किस तरह की जॉब्स मिल सकती है। इसके अंदर आप मार्केट रिसर्चर बन सकते हो, मार्केट एनालिस्ट बन सकते हो, RBI के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। अगेन आप टीचिंग सेक्टर के अंदर भी जा सकते हो और भी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जा सकते हो। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद आपको इस तरह की जॉब्स देखने को मिल जाती है। और अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, चाहे किसी भी कोर्स से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद आप MBA भी कर सकते हैं, देन MBA करके भी आप मैनेजर बन सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर कहीं पर भी। तो इस तरह से आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च कीजिएगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में और आप भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं, BBA BMS भी करना प्रेफर करते हैं। हम लोग तो सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं BBA BMS की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स BBA BMS भी प्रेफर करते हैं। BBA BMS बेसिकली आपका क्या होता है, BBA का मतलब है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS का मतलब है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। दोनों ही संभव सिमिलर कोर्सेज हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ BBA ऑफर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ BMS ऑफर करती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है भाई कि आपको मैनेजिंग, हम बोल सकते हैं कि मैनेजरियल स्किल्स आपको सीखनी है, आप किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजर बनना चाहते हो, तब आप BBA BMS अपनी कर सकते हैं। और देखिए BBA जो है वो भी काफ़ी सारी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अंदर होती है। कुछ लोग
BBN फाइनेंस करना पसंद करते हैं, कुछ लोग BBN HR मैनेजमेंट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग BBN होटल मैनेजमेंट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग BBN हम बोल सकते हैं कि रिटेल भी होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो आप किसी में भी अपनी BBA कर सकते हो या फिर आप BMS कर सकते हैं। एंड अगेन इसके जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज है, क्राइस्ट से आप कर सकते हो, नारसमुंजे से आप कर सकते हो, IP यूनिवर्सिटी के 2-3 कॉलेज हैं, महाराजा सूरजमल है, अग्रसेन है, विप्स हैं, तो इन सभी को आप टारगेट कर सकते हैं। JVS से आप BMS कर सकते हो, केशव महाविद्यालय दिल्ली सिटी के अंदर है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है जहां से आप BBA BMS कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे तो मैनेजर बनना है किसी कंपनी के अंदर, तो ये कोर्सेज आपके लिए काफ़ी बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी कंपनीज होती हैं उन्हें मैनेजर्स हायर करने होते हैं, तो BBA से भी काफ़ी ज़्यादा हायर करते हैं और MBA से भी हायर करते हैं। अब देखिए, जिस तरह से MA जो है उसका फाउंडेशन कोर्स BA होता है, उसी तरह से MBA जो है उसका फाउंडेशन कोर्स हम लोग बोल सकते हैं BBA और BMS को। वैसे तो MBA आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन कोर्स जो है वो BBA एंड BMS है। तो अगर आपका मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट है तब आप BBA BMS की तरफ मूव कर सकते हैं। BBA BMS के बाद अगर मैं बात करूँ, फिर आप कर सकते हैं CA। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो CA भी करते हैं 12th क्लास के बाद। अब CA जो है उसके अंदर भी आपको देखो, मान लीजिए अगर आप CA बन जाते हो तो दो तरह से CA जो है काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दो तरह से कौन, किसी तरह से काम करता है, सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वो काम कर सकता है, या फिर वो खुद की एक फर्म ओपन करके किसी का हम बोल सकते हैं कि एडवाइजर बन सकता है, या फिर वो अलग अलग कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो CA है वो बेसिकली काम करता है। तो आप CA भी कर सकते हो। CA के अंदर आपके जो 3 एग्जाम्स है वो होते हैं, आपको पता ही होगा, CPT है, IPCC है, फाइनल कोर्स है। इस तरह से आपके सारे सारे जो सब्जेक्ट्स जो आपके हम बोल सकते हैं टेस्ट है वो होते हैं। अब वो फाउंडेशन कोर्स हो चुका है पहले वाला, तो इस तरह से आप जो CA है वो भी आप कर सकते हैं। CA के अलावा एक्जैक्टली इसी तरह से आपका जो CS है वो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं। CS के अंदर भी आपके 3 एग्जाम्स होते हैं, जिसके अंदर आपका फाउंडेशन है, एग्जीक्यूटिव है एंड प्रोफेशनल है। अगर आप 12th क्लास की बात करते हो तो आपको ये 3 एग्जाम्स देने होते हैं, जिसके अंदर आपका फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। और अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो, फिर आपको जो फाउंडेशन होता है वो नहीं देना होता है, आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का ही देना पड़ता है। CA जो होता है वो भी बेसिकली जितने भी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं, इसके अलावा जितने भी लीगल काम होते हैं कंपनीज के वो सारे के सारे CS ही हैंडल करते हैं। तो आप CS भी परस्यू कर सकते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया आपके लिए हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई मुझे तो लॉ सेक्टर के अंदर जाना है, मुझे तो LLB करनी है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इंटरमीडिएट कोर्स होता है BCom LLB का, वो आप कर सकते हो क्लैट का एग्जाम दे करके। तो BCom LLB भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकती है। पहले 3 साल के अंदर आपको BCom का ही सब कुछ पढ़ने को मिलता है, एंड लास्ट के जो हम बोल सकते हैं आपके जो लास्ट के 2 ईयर होंगे उसके अंदर आपको LLB का पढ़ने को मिलेगा। तो BCom LLB जो है वो भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। आप लॉयर बन सकते हैं और बहुत सारी लॉ रिपोर्टर आप बन सकते हैं, और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर आप BCom LLB के थ्रू जा सकते हैं। जिससे BA LLB होती है इंटीग्रेटेड कोर्स, उसी तरह से BCom LLB भी होता है। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए ये तो हम बोल सकते हैं कि यार ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है ये आइडियलिस्टिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे तो कॉमर्स छोड़ करके कुछ और देखना है, मुझे तो किसी और फील्ड के अंदर अपना इंटरेस्ट आजमाना है, तो फिर आपके लिए और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं। जैसे कि आप BGMC कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वगैरह आप कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको ग्रेजुएशन करवाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको इंटरमीडिएट कोर्स करवाते हैं, ग्रेजुएशन प्लस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं BGM से, जिसके अंदर आपको जर्नलिज्म के बारे में सीखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको हम बोल सकते हैं कि रिपोर्टिंग के बारे में सीखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको बिहाइंड द कैमरा कैसे काम करना है वो सब सीखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जर्नलिज्म के अंदर आपको सीखने को मिलती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की हमारी मीडिया है उससे बेटर आप करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चलो छोड़ो, क्योंकि आज की मीडिया सही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अगर जर्नलिस्ट बनते हैं तो काफी बढ़िया जर्नलिस्ट बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं, फिर देखिए मान लीजिए आपको कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट है लेकिन आप साइंस से नहीं है, तो फिर आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होता है BCA का, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जो BCA है वो एक आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, साइंस का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो आप BCA भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BCA आपको ऑफर करती है। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में ही सीखने को मिलता है, और आपको IT सेक्टर के अंदर काफ़ी बढ़िया काम मिल सकता है। तो BCA भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है मुझे तो होटल मैनेजमेंट करना है, तो आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। जितने भी हमारे इंडिया के अंदर IHMs हैं, जैसे कि IHM पूसा सबसे बेस्ट माना जाता है, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि देखो, जिस तरह से IITs होती हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए फेमस होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इसी तरह से होटल मैनेजमेंट के लिए IHM होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर है और सबसे बेस्ट है IHM पूसा जो कि दिल्ली के अंदर है, तो आप उसे भी टारगेट कर सकते हो। 12th क्लास के बाद आप IHM पूसा के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है और आपको काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बड़े बड़े होटल्स के अंदर, राइट।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिर देखो बहुत सारे आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो एक एक साल का, दो दो साल का, तो डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर सकते हो, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर कर सकते हैं, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग के अंदर कर सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स के अंदर आप जा सकते हो, और भी बहुत सारे डिप्लोमाज हैं। CFA का सर्टिफिकेट आप कर सकते हो, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आप जा सकते हो। तो देखो कितने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ हम कॉमर्स करके बीकॉम वगैरह ही कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन देखो कितने सारे ऑप्शंस अभी मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। सो आई होप आपको जानकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा होगा। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप CUET का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, CUET बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, तो आप सभी की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोज़ एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं CUET के लिए, या फिर जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, क्राइस्ट है, सिम्बसिस है, नार्से मुंजी है, IIM से आप इक्विपमेंट देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, तो हम लोग सभी की प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ऑप्शन था मैं भूल गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 12th क्लास की वजह से बीकॉम एलएलबी आप कर रहे हो, उसी तरह से अगर आप मान लीजिए BBA प्लस MBA करना चाहते हो एक साथ, तो 5 IIM से जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो आपको ऑफर करते हैं, जैसे कि IIM इंदौर है, IIM रोहतक है, जम्मू बोधगया एंड रांची है। तो ये 5 IIM से जो आपको IPM का कोर्स ऑफर करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट BBA प्लस MBA का कोर्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर्म्स उनके ऑलरेडी आ चुके हैं, फॉर्म्स भी आप फिल कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी एंड थोड़ा बहुत जो क्लियरिटी होगी वो आपकी आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप एक काम कीजिए, जितने भी ऑप्शन मैंने भी आपको बताया है आप उसके अंदर से 3 या 4 ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर उन पर आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके सीनियर है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट ले ली है, उनका पैकेज भाई आज के टाइम पर 40 लाख का 50 लाख का पैकेज है, तो आपको ये बोलते हैं कि भाई मैंने तो ये वाला कोर्स किया था, तुम भी ये वाला कोर्स कर लो, तुम भी मेरी जितनी जॉब ले सकते हो। तो ऐसा अक्सर नहीं होता है भाई, जो भी आपका इंटरेस्ट होता है, हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान अलग तरह से काम करता है, तो आपको ही रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत है। मैं किसी को कोई सजेशन नहीं दे सकता कि भाई तू BBA कर ले, तू BCom कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, वो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, किस रास्ते को आपको चूज करना पड़ेगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही वीडियो रही होगी, काफ़ी बढ़िया इंटरेक्शन मेरा आप लोगों के साथ रहा होगा। सो शुक्रिया।